नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द पार्टी थिंग्स पे। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं माँ धारी देवी से जुड़ा एक अद्भुत रहस्य के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, भारत में रहस्यमय और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। और ऐसा ही एक मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां हर दिन एक चमत्कार देखने को मिलता है जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति सुबह में एक कन्या की तरह दिखती है, फिर दोपहर में एक युवती की तरह दिखती है और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। यह नजारा वाकई हैरान कर देने वाला होता है। इस मंदिर को धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर झील के ठीक बीचों बीच स्थित है। देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद माँ धारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती है। इस माता को पहाड़ों और तीर्थयात्रियों की रक्षक देवी भी कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीषण बाढ़ से मंदिर बह गया, साथ ही उसमें मौजूद माता की मूर्ति भी बह गई और वो धारो गांव के पास एक चट्टान से टकराकर रुक गई। कहते हैं कि उस मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज निकली जिससे गांव वालों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां माता का मंदिर बना दिया। पुजारियों की माने तो यह मंदिर में माँ धारी देवी की प्रतिमा द्वापर युग से स्थापित है। कहते हैं कि माँ धारी देवी के मंदिर को साल 2013 में तोड़ दिया गया था और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया। इसकी वजह से उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। माना जाता है कि धारी देवी की प्रतिमा को 16 जून 2013 की शाम को हटाया गया था और उसके कुछ घंटों बाद ही राज्य में आपदा आई थी। बाद में उसकी जगह फिर भी मंदिर का निर्माण कराया गया। तो दोस्तों, आई होप कि आपको माँ धारी देवी से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई हो और मैं उत्तराखंड से जुड़ी ऐसी जानकारी आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो बने रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप हमारी पुरानी वीडियो देख लो।